आईपीएल 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मुकाबला हुआ था और उस मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा मुद्दे बने थे। उसमें विराट कोहली और गौतम गंभीर एक दूसरे से भिड़ते हुए और बहस करते हुए नजर आए थे, लेकिन महीनों बाद अब वही मुद्दा फिर से उठा है। कपिल देव हैं एक क्रिकेटर, इंडिया के पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने विराट कोहली और गौतम गंभीर को लेकर बयान दिया है। चलिए आपको बताते कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या कुछ कहा। बीसीसीआई को खिलाड़ियों को अच्छा नागरिक बनने के लिए भी तैयार करना होगा। आईपीएल में गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच जो हुआ वो मेरे लिए दुखद था। दो सबसे महत्वपूर्ण लोग, दुनिया के शीर्ष बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली और सांसद गंभीर, इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं। हालांकि पेले से लेकर डॉन ब्रैडमैन तक खिलाड़ी अपना आपा खो देते हैं। सही बात है, क्योंकि विराट कोहली जो है वो इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, लेकिन वो अपने एग्रेशन के लिए ही जाने जाते हैं। ऑन फील्ड जैसा उनका प्रदर्शन होता है, जैसा उनका एग्रेशन होता है, लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे से लड़ने लगे। लेकिन खैर, अगर उस मुद्दे की बात करें तो नवीन उल हक से इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी। नवीन उल हक और विराट कोहली में थोड़ी सी बहस हुई थी, उसके बाद से फिर किसी तरह वो बहस शांत हुई। लेकिन फिर जब मैच खत्म हो गया था और खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए वापस जा रहे थे अपने अपने रस्तों की तरफ, तो उसके बाद से फिर नवीन उल हक ने विराट कोहली का हाथ झटक दिया था। इसकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल भी हुई थी और उसमें देखा जा रहा था कि विराट कोहली और नवीन उल हक एक दूसरे से हाथ मिलाते, लेकिन फिर विराट कोहली कुछ कहते हैं, नवीन उल हक भी कुछ कहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर नवीन उल हक ने विराट कोहली का हाथ पकड़ के जोर से धक्का दे दिया था। उसके बाद से फिर जो केएल राहुल थे, कप्तान थे, वो काफ़ी ज़्यादा बीच बचाव करते हुए नज़र आए थे। उसके बाद से फिर गौतम गंभीर डगआउट में बैठे थे, वो भी वहाँ से आके। उसके बाद से फिर बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्मी देखने को मिली थी विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच, बहुत जुबानी जंग भी थी दोनों के बीच। फिर उसके बाद से जब ऑन फील्ड खत्म हुआ झगड़ा, उसके बाद से फिर ऑफ फील्ड लड़ाइयाँ शुरू हो गई और उसके बाद से सोशल मीडिया पे विराट कोहली भी सोशल मीडिया पे टॉन्ट मारने लगे थे। फिर नवीन उल हक ने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट वोस्ट किया था, उन्होंने मैंगोज के कुछ फोटोज पोस्ट की थी। बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी इन दोनों मैचों में। आपको बता दें कि पहले जब लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मैच हुआ था उसमें लखनऊ सुपर जायंट्स जीती थी, लेकिन उसके बाद से फिर जो दूसरा मैच था उसमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जीती थी और उसके बाद से फिर इसी बात से लड़ाई वड़ाई शुरू हो गई थी। लेकिन फिलहाल अभी क्या है कि दोनों पक्षों के बीच सब कुछ क्लियर है, लेकिन महीनों बाद इस मैटर पे कपिल देव बोले हैं। और आप कितने ज़्यादा सहमत हैं कपिल देव के इस स्टेटमेंट से, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।